So hello, hi everyone. My name is Gautam Lakhani here, and I welcome you all to our special course in which we are covering all the important current affairs which will help you in covering and cracking the PD 2021. So, जैसे कि आपको पता है, इस कोर्स के अंदर हम जो भी हमारे पिछले 12 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको यहाँ पर हम लेंगे जो कि पीटी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो जैसे कि आपको पता है, आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फिलहाल हम कवर करेंगे एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स को, ठीक है, जो कि जून 2020 में हुए थे और पीटी 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. उससे पहले यहाँ पर आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि एक मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल रहेगा. यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेट संडेज को फॉर्टनाइटली जो है ये कॉम्पिटिशन अनअकैडमी की तरफ से कराया जाता है. इसमें बेसिकली जो यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं. और अगर बात करें जो अब ये होने जा रही है, वो होने जा रही है 7 फरवरी को सुबह 11 बजे आपको ये देखने को मिलेगी. इसमें बेसिकली होगा क्या कि काफी सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स ने आपके लिए बनाए हैं. इसके अलावा रियल टाइम रैंकिंग आपको मिलेगी ताकि एक फास्ट और फनी वे में आप इसको यहाँ पर चला सकें. बेस्ट कंपटीटर्स के साथ आपको कम्पीट करने का मौका मिलेगा एंड एट दी एंड यू विल ऑल्सो गेट अ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन. इसके अलावा लाइव स्कोरिंग मिलेगी, लीडरशिप बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, रेटिंग्स मिलेंगे और अवार्ड्स वगैरह भी आपको मिलेंगे. प्राइजेस की यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट 3 रैंकर्स को जो है 3 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से. और जो रैंक 4 to 150 आएंगे उनको यहाँ पर अमेजॉन गिफ्ट कार्ड मिलेगा, बेसिकली 1000 रुपीज का अमेजॉन का वाउचर भी मिलेगा. 45 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा, 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 13 कॉम्बैट्स ये होंगी, 6 अलग अलग सेक्शंस में आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे. इसके अलावा रिलेटिव स्कोरिंग होगी और ऑल्टरनेट संडेज को आपको ये देखने को मिलेगी बैटल. तो प्लीज जाइए जाकर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट करिए एंड यूज करिए हमारा रेफरल कोड रैंक 10. जब आप हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यहाँ पर यूज करेंगे तो आप इसमें जाकर के पार्टिसिपेट कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं पीटी 2021 के लिए, ठीक है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे अगर अब तक की बात करें तो इन आर प्रीवियस सेशन, जो हमारा प्रीवियस सेशन था जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करा था, तो उसके अंदर हमने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में बात करी थी जो कि 2020 में हुआ. वर्ल्ड ओशन डे को हमने देखा. इसके अलावा हमने वहां पर कवर करा कि आर्कटिक आइस किस तरीके से डिक्लाइन हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो सब हमने चीजें कवर करी. साथ में बेसिकली हमने देखा कि भाई किस किस तरीके से थ्रेट हो रहा है, आर्कटिक आइस की नीड क्या है, क्या प्रोसेस है, वो सब चीजें हमने देखी. और कहीं ना कहीं मैंने आपको उस टाइम पर बताया था कि भाई क्या क्या चीजें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की 168th रैंक आई, ठीक है. और बाकी सब हमने डिस्कस करा कि भाई क्या क्या एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के इंडिया काम कर रहा है. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टॉपिक्स. आज के सेशन की अगर हम बात करें तो 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं जो कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको फिलहाल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं. सबसे पहले न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं. पहले आप एक बार न्यूज को रीड करिए, जो ऊपर यहाँ पर हेडलाइन है उसको आप रीड करिए. क्या है? द निप्पन फाउंडेशन एंड जीईबीसीओ सीबेट 2030 प्रोजेक्ट हैज अनाउंस्ड दैट नियरली अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स एंटायर ओशन फ्लोर हैज नाउ बीन मैप्ड. यानी कि क्या कह रहा है न्यूज में, क्या है आया है हमारे पास कि जो निप्पन फाउंडेशन और साथ में जो जेपको है उनका जो सीबेट 2030 प्रोजेक्ट है उसने तकरीबन 20% जो है हमारा ओशन का ओशन फ्लोर जो है यहाँ पर मैप्ड कर लिया है, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ओशन का सी फ्लोर होता है उसकी मैपिंग को लेकर के प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है. तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि भाई ये जो ये जेपको है ये क्या है, ये प्रोजेक्ट किस चीज को लेकर के है और क्या नीड है हमारे को ये सी फ्लोर की मैपिंग करने की. तो इन सब चीजों को यहाँ पर हम कवर करेंगे, समझेंगे, ओके. तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीबेट 2030 एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर चलाया गया निप्पन फाउंडेशन जो कि जापान की है उनके द्वारा और साथ में जो जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन है जेपको, इन दोनों ने मिलकर के जो है यहाँ पर ये कोलैबोरेटिव वे में काम करना शुरू करा कि भाई 2030 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैथीमेट्रिक डेटा जो है कलेक्ट कर लेंगे पूरे के पूरे ओशन सी फ्लोर का,
ठीक है, हम यानी कि पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे कि भाई ओशन में किस जगह पर क्या क्या चीजें हैं, तो जो हमारा ओशन सी फ्लोर है उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारे को डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लैंड के ऊपर देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है हमें कहाँ भी देखने को मिलती हैं, ओशन फ्लोर के ऊपर भी देखने को मिलती हैं। चाहे आप ट्रेंचेस की बात कर लीजिए, चाहे आप वल्केनोज की बात कर लीजिए, या आप प्लेटूज की बात कर लीजिए, माउंटेन्स की बात कर लीजिए, ये छोटे छोटे भी हमें ओशन के बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ओशनिक एक्टिविटीज के अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और देखिए, अब हमारे सामने खुला ओशन तो है, ओशन की जानकारी तो है हमारे पास कि भाई ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर इस तरीके का ओशनिक करंट होता है, यहाँ पे ऐसा गर्म पानी जा रहा है, यहाँ पर ये है वो है, कोरियोलिस इफेक्ट है, ये सब चीजें बेसिकली हमें पता है। बट ओशन के नीचे क्या है ये हमें नहीं पता, सी फ्लोर पर क्या है ये चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं सी बेड को लेकर के 2030 तक का टारगेट रखा गया यहाँ पर कि भाई पूरे के पूरे को क्या कर लिया जाएगा, इसकी मैपिंग कर ली जाएगी ताकि हमें पता लग जाए कहाँ पर क्या है, ठीक है। सब चीजें हमारे पास एक तरीके से ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस जो जून 2017 में हुई, इसमें बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 नंबर का है, जो कि बात करता है ओशन सीज और मराइन रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, उनके सस्टेनेबल यूज की, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो है यूएन ने बेसिकली क्या करा, जो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बेसिकली यहाँ पर ये सी बेड 2030 प्रोजेक्ट को शुरू कराया गया। इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली जितना भी मैथमेटिक डेटा होगा वो ये कलेक्ट करेगा ओशन फ्लोर से रिलेटेड 2030 तक, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए बैथीमेट्री क्या होता है, अगर बैथीमेट्री की यहाँ पर हम बात करें तो बैथीमेट्री क्या है, एक मेजरमेंट का तरीका है जिससे ओशन फ्लोर की जो है शेप और डेप्थ यहाँ पर देखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप समझें तो मान लीजिए ये हमारा लैंडफॉर्म है, ठीक है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर प्लेन है, ये हमारा क्या है लैंडफॉर्म है। अब इसके अलावा हमारा यहाँ पर ओशन शुरू हो गया, ये हमारा ओशन है। अब इस ओशन के नीचे भी हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर ट्रेंच है, कहीं पर इस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगी हमें यहाँ पर। तो इस सब को देखते हुए इस सब का मेजरमेंट ये जो है बैथीमेट्री से यहाँ पर करा जाएगा, और कौन करेगा इसको, निप्पन फाउंडेशन जापान की वो, और साथ में जो जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन है मोरक्को के अंदर, वो यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस पर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हायर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करी जाएगी सी फ्लोर को लेकर के, और यहाँ पर जो है डीप वाटर हल माउंटेड सोनार सिस्टम्स को यूज करा जाएगा, और साथ में जो है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स को यूज करा जाएगा। अब तक क्या होता था, सैटेलाइट वगैरह का यूज करा जाता था, बट अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 2017 में ये शुरू हुआ और 2030 तक का जो टारगेट है 13 साल में, इसमें बेसिकली डीप वाटर हल माउंटेड सोनार सिस्टम का यूज करा जाएगा, और साथ में अंडर वाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल करा जाएगा ताकि चीजों को यहाँ पर बेहतर रखा जाए, ढंग से यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मिले, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ हमें आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है, इधर की बात करें तो अटलांटिक ओशन, यहाँ पर पैसिफिक ओशन, इधर अपना इंडियन ओशन हो गया, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट ओशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन ओशंस के अंदर किस तरह की लैंडफॉर्म्स हैं, बेसिकली क्या क्या चीजें हैं अंदर तक की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैप जो ये इमेजेस आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं अंदर तक का सी फ्लोर तक का इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये सी फ्लोर की जो हम स्टडी कर रहे हैं, ओशन फ्लोर की जो स्टडी कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो चार पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें ओशन टोपोग्राफी की, तो देखिए क्या है, जब हमारे पास ओशन फ्लोर के बारे में जानकारी होगी, हमारे पास पूरी की पूरी ओशन टोपोग्राफी को लेकर के इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ कहाँ पे क्या डेप्थ है, कहाँ पे क्या शेप है, जब हर एक चीज का हमें पता होगा तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं ओशन सर्कुलेशन को लेकर के, टाइड्स को लेकर के, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता रहेगा कि हाँ किस एरिया के अंदर ओशन में क्या चीज है। अब देखिए आज की बात ही कर लें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, आप बताइए टॉलेस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताइए कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आप बता सकते हैं इंडिया के अंदर कौन सी रिवर कहाँ से बह रही है, ये आप मुझे बता सकते हैं। इंडिया के अंदर डोडा बेटा पीक कहाँ पर है, ये आप मुझे बता सकते हैं।
कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी है, आपको पूरी की पूरी टॉपोग्राफी की इंफॉर्मेशन है। अगर यही चीज मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताइए ओशंस के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर कौन सा वल्केनो कहां पर है, अगर मैं ये पॉइंट आपसे पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं, आप नहीं बता पाएंगे ये चीज। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी स्टडी होगी, जो ये सी बेट 2030 प्रोजेक्ट है, ये हमारे को एक क्लियर डेटा यहाँ पर दे देगा पूरा का पूरा कि भाई क्या है, क्या पर है, कैसे चीज है, तो सब चीज के बारे में हमारे को जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। कमेंट आए हैं शशिराज जी का, डोडा बेटा इन तमिलनाडु, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा नेविगेशन के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी। देखिए क्या है, जब हमारे पास ओशंस की इन्फॉर्मेशन होगी, तो जब ओशंस की इन्फॉर्मेशन होगी तो कहीं ना कहीं ये नेविगेशन में भी हेल्प करेंगे, सुनामीज को फोरकास्ट करने में भी हेल्प करी जाएगी, साथ में हमें ये भी पता लगेगा ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स हम कहाँ पर लगा सकते हैं, कहाँ पर बेहतर चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं डिजास्टर की सिचुएशन से भी लड़ने में हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल ये सी बेड 2030 प्रोजेक्ट यहाँ पर करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए आप सबको पता है कि जो क्लाइमेट है हमारा, और वो कहीं ना कहीं ओशंस जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ओशन करंट्स का होना, क्लाइमेटिक चेंजेस से उनके अंदर डिफरेंसेस होना, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट ओशंस के साथ मिलकर के काम करते हैं, टाइड्स वगैरह का आना। तो हम सब लोग इनके ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं प्रॉपरली, प्रिकॉशंस वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर, जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जो कि बात करते हैं ओशंस को, सीज को और मेराइन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज करने का और उनको कंजर्व करने का, तो कहीं ना कहीं ये सी बेड का जानकारी, ओशन फ्लोर की जानकारी हमें मेराइन कंजर्वेशन के अंदर भी हेल्प करेगी। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको भी यहाँ पर अचीव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली हमारा सी बेड 2030, ये काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर बात करी, समझाया आपको। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन की बात करी गई कि कौन इसको करेगा, निपॉन फाउंडेशन की बात करी गई कि भाई जापान बेस्ड एक निपॉन फाउंडेशन है वो, और साथ में निपॉन फाउंडेशन के साथ और कौन है यहाँ पर, जेबको, जो कि जनरल पैथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ये काम करेंगे, पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये जेबको क्या है। देखिए अगर हम जेबको के बारे में बात करें तो बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि या कहें सिर्फ इसी को ही एक मैंडेट मिला हुआ है कि ये ओशन फ्लोर की मैपिंग कर सकती है। ठीक है, जेबको की यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो ये चार्ट सीरीज जो शुरू हुई थी ये 1903 में प्रिंस एल्बर्ट मोनाको के, ये प्रिंस थे, इन्होंने ये शुरुआत करी थी और वो फिर आगे कंटिन्यू होती चली गई। आज की डेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोस्ट ऑथोरिटेटिव बैथमेट्रिक डेटा जो है इनके पास यहाँ पर होता है, और जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ओशंस और नेविगेबल वाटर्स के चार्ट वगैरह बनाती है, सर्वे वगैरह करती है वो, और यहाँ पर जो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है यूनेस्को की, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर जेबको के साथ काम करते हैं। तो देखिए ये सब भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और जितनी भी वर्ल्ड के अंदर सीज हैं, ओशंस हैं, नेविगेबल वाटर्स हैं, उनको ये सर्वे करती है और चार्ट वगैरह उनके बनाती है। ठीक है, 1921 में इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट इसकी करी गई थी, और जो इंडिया है वो इसका मेंबर है, और जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो हमें प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था गाइस कुछ जेबको के बारे में, और पूरा का पूरा जो हमने सीबेड 2030 प्रोजेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करा, उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि क्यों हमें जरूरी है यहाँ पर हर एक चीज को समझना, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द ओशन फ्लोर, क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछे, अदरवाइज हम अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। श्रुति का कमेंट है, सर एनवायरमेंट के लिए क्या रेफर करें, शंकर आईएएस एंड करंट अफेयर्स इनफ है क्या? यस, दे आर मोर देन इनफ। अगर आप शंकर आईएएस की बुक को यहाँ पर कवर करते हैं और साथ में करंट अफेयर्स आप यहाँ पर फॉलो करते हैं तो दे आर मोर देन इनफ। शंकर आईएएस विल मेक योर बेसिक्स क्लियर, एंड जो करंट अफेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो बेसिकली डायनामिक पोर्शन है उसको कवर करने में हेल्प आउट करेगा, तो यू कैन फॉलो द बोथ द रिसोर्सेज। ठीक है, सो गाइज अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, मैं बार बार कहता हूँ। मीनवाइल अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मुझे पता लग सके। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। ठीक है, वो आपका अपना ओपिनियन है, आपको पसंद आया नहीं आया, बट
लेट मी नो अबाउट इट. आपका फीडबैक मुझ तक पहुंचे वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जरूर अपना कोई भी डाउट हो तो ताकि क्लियर करें, बिकॉज मेरे लिए आपका सेटिस्फेक्शन, आपको सब चीज एक रियल इंफॉर्मेशन पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी है. ओके, तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज की. तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो एशियाटिक लायन से रिलेटेड ये न्यूज है हमारे सामने. क्या है कि एशियाटिक लायन 29% राइज इन नंबर्स सेज गुजरात. तो इस आर्टिकल, इस न्यूज की यहां पर हम बात करें तो हम फिलहाल इसमें एशियाटिक लायंस के बारे में समझेंगे, देखेंगे जो ये सर्वे हुआ इसको. साथ में यहां पर अगर हम बात करें तो लायंस की पॉपुलेशन के पीछे क्या कारण रहे उनके राइज के, वो देखेंगे. और साथ में जो यहाँ प्रोटेक्शन स्टेटस जो है इनका, IUCN स्टेटस क्या है वो देखेंगे, और भारत सरकार इनके कंजर्वेशन के लिए क्या काम कर रही है, इन सब चीजों को यहाँ पर देखेंगे. तो देखिए क्या हुआ, जून 2020 की बात है, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर डिक्लेयर करा कि भाई जो एशियाटिक लायंस हैं गिर फॉरेस्ट रीजन के अंदर, उनकी जो तादाद है, पॉपुलेशन है, वो बड़ी है. ये बात यहाँ पर आई. तो देखिए होता क्या है कि जो ये सर्वे है ना पॉपुलेशन को काउंट करने का एशियाटिक लायंस की, ये हर 5 साल में कराया जाता है. तो यहाँ पर 2015 में जब ये सर्वे कराया गया था तो उस टाइम पर हमारे सामने गिर एरिया में 523 लायंस देखने को मिले थे, एशियाटिक लायन. और अब जो 2020 में ये हुआ इसके अंदर तकरीबन 674 लायंस हमें देखने को मिले. एंड एज यू ऑल नो कि जो गुजरात का गिर जंगल का एरिया है वहीं पर हमें एशियाटिक लायन देखने को मिलता है, तो वहां पर उसका उसकी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज भी हुआ, ठीक है? अब देखिए इस बार जो ये काउंटिंग वगैरह हुई ये बेसिकली एक फंड, एक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज से हुई जिसको बोला जाता है पूनम अवलोकन. तो ये पूनम अवलोकन क्या है, अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई किसी हीरोइन का नाम होगा, ठीक है? बट ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज है. देखिए इसमें क्या होता है, ये जो 15th लायन सेंसस हमारे सामने आया, जो डेटा आया, तो जो पूनम अवलोकन जो है ये एक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2014 में इस एक्सरसाइज को शुरू करा था. और देखिए क्या होता है, जो पूनम का दिन होता है यानी कि फुल मून डे होता है, उस दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सोनल्स लोग यहां पर क्या करते हैं कि लायंस वगैरह कुछ भी उन्हें दिखते हैं तो उनको ट्रैक करते हैं, और साथ में इस तरीके से जो है ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज करी जाती है यहां पर, ठीक है? तो ये है बेसिकली पूनम अवलोकन एक्सरसाइज के बारे में, जिसको 2015 में लायन सेंसस को के बाद यहां पर यूज करा गया, ठीक है? इसके अलावा इस सेंसस के बारे में बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि हर 5 साल के अंदर इसको करा जाता है, और इस बार खैर थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा था. जो इंडिया के अंदर पहला लायन सेंसस कराया गया यानी कि लायंस की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करा गया, तो वो 1936 में हुआ था, और जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने इसको करवाया था, ठीक है? तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए दैट फर्स्ट लायन सेंसस जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर हुआ था, कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया के अंदर हुआ था, वो 1936 में हुआ था और नवाब ऑफ जूनागढ़ ने इसको कराया था. इसके अलावा आगे चलें तो जब 1965 की अगर हम बात करें तो 1965 से जब हमारा देश आजाद हुआ 47 में, उसके बाद जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो रेगुलर यहाँ पर जो है सर्वेज वगैरह कराता रहता है, पॉपुलेशन सेंसस इनका कराता रहता है हर 5 साल के अंदर, ठीक है? और जो ये इस बार हुआ ये 15th लायन सेंसस यहाँ पर था. देखिए इस बार की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8% का राइज इनकी पॉपुलेशन में हमें देखने को मिला है गिर रीजन में. 674 ये हमें देखने को मिले हैं, 523 ये हुआ करते थे कब, 2015 में. इसके अलावा जो इनका एक्सपेंस है यानी कि इनका जो रीजन है वो भी फैला है, तकरीबन 36% वो भी हमें फैलता हुआ देखने को मिला है. देखिए अगर हम बात करें इन लायंस की तो ये ज़्यादातर हमें जो है एशियाटिक लायन सौराष्ट्र वाले रीजन के अंदर जो एग्रो पेस्टोरल लैंड्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, वहां पर ये हमें देखने को मिलते हैं. और ये जो एरिया है पूरा का पूरा ये 9 districts के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो तकरीबन 2015 में जो वो एरिया था वो था 22,000 square feet और इस 22,000 square kilometer, और जो 2020 की बात करें तो बढ़ करके 30,000 square kilometer सरकार ने कर दिया. अब देखिए यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो 1990 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेल जो थे एडल्ट लायंस एशियाटिक लायन वो 99 थे और फीमेल जो थी वो 95 थी. सब एडल्ट जो थे वो 27 थे और जो कब्स होते हैं वो बच्चे जो होते हैं लायंस के वो थे 63. आगे चल करके नंबर ये बढ़ते चले गए. 2015 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लास्ट सर्वे हुआ था 2015 वाला, उसके अंदर हमने देखा कि 109 तो मेल हमें देखने को मिले और 201 हमें यहाँ पर फीमेल्स देखने को मिली, और तकरीबन जो सब एडल्ट थे वो 73 देखने को मिले और कब्स देखने को मिले 140.
अब 2020 5 साल बाद जो ये नेक्स्ट सर्वे हुआ है, रिसेंट सर्वे हुआ है, इसमें 159 मेल देखने को मिले, 262 फीमेल देखने को मिली, 115 सब एडल्ट देखने को मिले और 138 यहाँ पर कर्व्स देखने को मिले, यानी कि 674 नंबर यहाँ पर हो गया। तो 1990 में जो नंबर था वो कितना था, वो 284 था, 284 था, और बढ़ करके ये जो है अभी 2020 में कितना हो गया, 674 हो गया। अब बढ़ा कैसे, तो देखिए यहाँ पर बढ़ने के पीछे काफी सारे रिस्पॉन्सिबल रीजन है। जैसे कि क्या, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी तादाद के साथ हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए तो चीजों को बेहतर करा गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बेहतर करा गया, प्रॉपर हैबिटेट मैनेजमेंट इनके लिए करा गया ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ह्यूमंस के बीच में और लायंस के बीच में कोई कंफ्लिक्ट वगैरह ना हो, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा करी गई। अब देखिए क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज तो ये कि भाई ये जो लायंस हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क वाले रीजन में आसपास देखने को मिलते हैं, जो कि गुजरात की जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, अब थोड़ा सा गिर नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरी है वो बेसिकली जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर लोकेटेड है। गिर जंगलों के रीजन के अंदर ये हमें सिर्फ ओनली ऐसा नेचुरल हैबिटेट देखने को मिलता है एशियाटिक लायंस का। ठीक है, तो गिर जंगल जो है वो नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायंस का, और जो ये गिर नेशनल पार्क है इसे बेसिकली नेशनल पार्क का दर्जा जो मिला वो 1975 में मिला। इससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जो कि 1965 में हमें ये देखने को मिला। ठीक है, आगे चल करके यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो गिर के जंगल वाला रीजन होता है ना, यहाँ पर बेसिकली हमें जो पेस्टोरल कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं उनको बोला जाता है मालाधारी, और यहाँ पर कहा जाता है कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है मालाधारीज के बीच में और लायंस के बीच में। ये कौन है, ये बेसिकली रिलीजियस पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं गिर वाले रीजन की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है कैसे है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि भाई बताओ ये कम्युनिटी कहाँ की है, वो कम्युनिटी कहाँ की है डेमोग्राफी के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए जो मालधारीज हैं वो बेसिकली रिलीजियस पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं गिर वाले रीजन की, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो लोग रहते हैं इनकी सेटलमेंट्स को नेस बोला जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन स्टेटस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं ये, अपेंडिक्स 1 में इनको हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो इंडिया का है उसके शेड्यूल 1 के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये था इनके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड हमने पढ़े हैं अभी, एक तो नेशनल पार्क हमने पढ़ा और एक पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप सब लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताएं कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में और जो सॉरी और नेशनल पार्क के बीच में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मीनवाइल यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए कंजर्वेशन एफर्ट्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने इनके कंजर्वेशन के लिए क्या काम करा, थोड़ा सा उनको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, भारत सरकार ने बकायदा एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने यहाँ पर ये काम करा, और साथ में अगर हम बात करें तो बकायदा फाइनेंशियल ईयर्स 2018 से 21 के लिए प्रोजेक्ट को ये चलाया जा रहा है, पैसा वगैरह दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा काफी सारा साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह भी यहाँ पर करा जा रहा है, कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़े लेवल पर करा जा रहा है, इनकी हेल्थ केयर को लेकर के भाई डिसीज कंट्रोल करे जाए, वेटरनरी केयर दी जाए, तो एक तरह के ओवरऑल कंजर्वेशन जो है एशियाटिक लायंस का यहाँ पर करा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब बात कर लेते हैं, मैंने एक चीज पूछी थी कि भाई सिंपल सा मुझे बताओ कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज छोटे लेवल पर अलाउड होती है, बट नेशनल पार्क्स के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती, यानी कि आप लोग वहां जाकर के एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरह के काम नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसका मेन एम क्या होता है कि भाई वहां की पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना को क्या करें, प्रोटेक्ट करा जाए। वहीं नेशनल पार्क्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फौना की प्रोटेक्शन के साथ साथ वहां पर ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस भी होता है, कोई हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी होता है। अब देखिए गिर नेशनल पार्क है, इसका ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एशियाटिक लायंस का नेचुरल हैबिटेट है और ओनली नेचुरल हैबिटेट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती, बट नेशनल पार्क्स की बकायदा बाउंड्रीज वगैरह तय होती हैं कि भाई ये है वो है। ठीक है, और जो सेंचुरीज वगैरह हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बेसिकली सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बेसिस पर बन जाती हैं, कोई भी यहाँ पर ऑर्डर इशू करके बना सकता है, और सिमिलर वे में
नेशनल पार्क्स भी यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर ही पास यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ठीक है, उसे तो आगे चल करके अपग्रेड करा जा सकता है नेशनल पार्क में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि गिर नेशनल पार्क जो है बेसिकली वो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 1965 में, और 1975 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया, बट अब इसे नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बनाया जा सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर डिफरेंस के बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, जो कि आपको पता होना चाहिए, कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ये डिफरेंसेस पता होना चाहिए। तो 5-6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो ये था गाइस यहाँ पर अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, गिर नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो इस बार ये इन्होंने पूनम अवलोकन वाला काम किया वो ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज का आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तीसरा, क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स करे गए वो पता होना चाहिए, और इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। क्लियर हो गई हैं तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, ताकि विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन कंटिन्यू विद द सेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी आप मेरे को पूछें, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर टू पार्टिसिपेट, ओके। तो प्लीज अपना डाउट भी साथ साथ क्लियर करते जाएं। अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारे पीटी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए यहां पर ये जो न्यूज है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या है न्यूज? केरलाज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू हाइडल प्रोजेक्ट लीड्स टू आउटरेज अमंग द ग्रीन एक्टिविस्ट। देखिए बेसिकली केरला की यहां पर अगर हम बात करें तो चलकड़ी रिवर के ऊपर एक हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पर जो है एनओसी दे दी गई है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, बट इसको लेकर के यहाँ पर जो ग्रीन एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लॉबीज हैं, उनके बीच में यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक तरीके से हमें यहाँ पर कन्फ्रंटेशन उस टाइम पर देखने को मिला। अब क्या है, क्या ये क्या आइडल प्रोजेक्ट है, क्यों केरला में आया, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए केरला गवर्नमेंट ने क्या करा है, अथरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है AHEP, उसको जो है यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। बेसिकली जो थिरुसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाकुड़ी रिवर है उसके ऊपर इसको बनाया जाएगा। पहले भी ये कई बार 1980s में इसको प्रपोज करा गया था, बट ये काफी बार पोस्टपोन हो चुका है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो पहले भी काफी बार इसका जब प्रपोजल आया तो ये पोस्टपोन हो गया, क्यों? क्योंकि जो ग्रीन एक्टिविस्ट थे ये हमेशा जो है प्रोटेस्ट वगैरह कर देते थे, बट इस बार जो है इसको अप्रूव यहां पर कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अब देखिए क्या है, केरला के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर हमें 5 तो डैम देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि पावर को लेकर के हैं, पावर जनरेशन का काम करते हैं, और एक है जो इरिगेशन के लिए बनाया गया है। और जो अब ये यहाँ पर ये अथरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, ये 7th होगा केरला के अंदर। कौन सी रिवर पर बनाया जा रहा है? चलाकुड़ी रिवर के ऊपर ये बनाया जा रहा है, ठीक है, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको बनाया जाएगा। इसकी पावर की बात करें, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करें, तो 163 मेगावाट का ये रहेगा पूरा का पूरा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ऊपर पोरिंगल कुट्टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उससे जो पानी आएगा उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब नो एनओसी इसको दे दिया गया है 7 साल के लिए कि इसको बनाया जा सकता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस और टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली चलाकुड़ी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करें कि ये लोग इनके खिलाफ क्यों हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल थ्रेट क्या है वो देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चलाकुड़ी रिवर के बारे में बता दूं और साथ में आपको ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो दिखा दूं। तो देखिए ये केरला, आपको पता है कि ये हमारा केरला है, तो केरला के अंदर जो ये थ्रिसर डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है, और इस थ्रिसर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर ये नदी जा रही है, इस नदी को बोला जाता है चलाकुड़ी रिवर। तो चलाकुड़ी रिवर के ऊपर यहाँ पर इस रीजन में ये हेयर जहाँ पर ये मैंने बड़ा सा डॉट कर दिया, यहाँ पर जो है ये अथरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अब थोड़ा सा चलाकुड़ी रिवर के बारे में भी बात करें तो देखिए क्या है, जो चलाकुड़ी रिवर है ये बेसिकली हेयर तमिलनाडु से ये जो क्या होती है ये ओरिजिनेट होती है, और तमिलनाडु से आते हुए ये बेसिकली नीचे आती है और आगे चल करके जो पेरियार नदी है ना उसमें आकर के मिल जाती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आप समझिए, चलाकुड़ी रिवर जो है बेसिकली वो कहाँ से, अनामलाई रीजन जो है तमिलनाडु का, वहां से ओरिजिनेट करती है, और काफी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जैसे कि परम्बिकोल, करियार कुट्टू, शोलेयार, करप्पड़ा, अनाकयम, ये कुछ डिफरेंट इसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो रिवर है ये पलक्कड़, थ्रिसूर और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की उसके ऊपर से हमें निकलती हुई देखने को मिलती है,
और केरला के अंदर ये फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पर ये हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस रिवर के अंदर हमें काफ़ी सारी फिश डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं और तकरीबन 85 स्पीशीज जो हैं यहाँ पर फ्रेश वाटर फिशेज जो हैं वो हमें केरला में जो देखने को मिलती हैं वो इसी रिवर से आती हैं। केरला की अगर हम बात करें तो इन टोटल केरला के अंदर 152 स्पीशीज हैं जो कि फिशेज की हमें देखने को मिलती हैं फ्रेश वाटर के अंदर, और उस 152 में से 85 जो है सिर्फ और सिर्फ चलाकुड़ी रिवर के अंदर ही हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो ये रिवर है इसके ऊपर काफ़ी सारे फेमस वाटरफॉल भी हैं जैसे कि अथरापल्ली फॉल्स, वजाफल फॉल्स, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक टूरिस्ट सेंटर के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही कि आगे चल करके ये पेरियार नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है, मर्ज कर जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्फ्लुएंस यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पहले मैंने आपको रिवर के बारे में बता दिया, इससे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। अब थोड़े से एनवायरमेंटल थ्रेट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एनवायरमेंटल थ्रेट्स की बात करें तो अगर एनवायरमेंटल थ्रेट्स को आप यहाँ पर समझें तो जो अथरापल्ली वाला रीजन है ना, ये कहीं ना कहीं रेयरेस्ट स्पीशीज जो है बर्ड्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, यानी कि जो फ्लोरा एंड फौना है उसकी रेयरेस्ट स्पीशीज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और कहा जा रहा है कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगी। इस रीजन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीलगिरी लंगूर और लायन टेड मकाक जैसे कुछ हमें इम्पॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बर्ड्स की बात करें तो हॉर्नबिल वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिश वेराइटीज भी बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये चलाकुड़ी रिवर है केरला के अंदर 152 फ्रेश वाटर जो है हमें क्या देखने को मिलती है, फिशेस देखने को मिलती है डिफरेंट, यानी कि तकरीबन 152 वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो है हमें फ्रेश वाटर फिशेस की देखने को मिलती है, और अकेली चलाकुड़ी रिवर में से 85 स्पीशीज आती हैं, तो ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर माना जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो वेस्टर्न घाट्स को दिक्कत होगी और सबमर्ज हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं। इसके अलावा इस रीजन के अंदर एक ट्राइबल ग्रुप भी रहता है जो है कदार ट्राइबल ग्रुप। इस कदार ट्राइबल ग्रुप को भी क्या करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो ये कदार्स हैं इनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं 2006 एक्ट के मुकाबले अगर हम देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पर वॉयलेट होंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा इस रीजन में एक एलिफेंट कॉरिडोर भी हमें देखने को मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, ये भी बोला जा रहा था। साथ में जो चलाकुड़ी रिवर है उसके ऊपर काफ़ी सारे बड़े छोटे डैम पहले ही हैं, तो कहीं ना कहीं इनफ वाटर नहीं रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, ये सब बात भी करी जा रही थी। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला जा रहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वाटरफॉल और टूरिज्म एक्टिविटीज जो है इस रीजन की वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरे में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ एनवायरमेंटल थ्रेट इसके बारे में बताया जा रहे थे, बट फिलहाल जो है केरला की सरकार ने इसको क्या दे दिया है, यहाँ पर अपना अनुमति दे दी है, एनओसी दे दी है यहाँ पर। ओके, सो ये था गाइस हमारा कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स यहाँ पर हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं ये जून के मंथ के, जो कि आपके पीटी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए आज के सेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करा, वेरी फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जो हमारा बेसिकली सी बेड प्रोजेक्ट है, सी बेड प्रोजेक्ट जो है 2030, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी कि भाई क्यों है ये प्रोजेक्ट, किस लिए करा जा रहा है, कौन कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सब चीज़ें हमने देखी। सेकेंड जो था हमारा वो एशियाटिक लैंड से रिलेटेड था, उनसे रिलेटेड सब हर एक चीज़ हमने यहाँ पर कवर करी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग देयर। फिर बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें जो ये फोर्थ हमने बात करी, ये करी अथरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, कौन से रिवर के ऊपर है, क्या थ्रेट है, क्या रिवर की इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ों को देखा। आप देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सी बेड प्रोजेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको कर रही है और क्या बेनिफिट्स इसके होंगे। एशियाटिक लाइन में मैंने आपको बता ही दिया कि भाई गिर नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो हैं प्रोटेक्शन स्टेटस, कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये सब पता होना चाहिए। और AHEP ये जो अथरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी के ऊपर है और वो नदी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ पे आई, क्यों, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर और कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं, क्योंकि UPSC एग्जाम के अंदर मैपिंग के जो ज्योग्राफिक मैपिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। सो यू नीड टू अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही गाइज, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें यहाँ पर सही लगी होंगी, और अगर आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी आज के सेशन में इतना ही, तो जो कल का सेशन हमारा रहेगा गाइस, कल के सेशन में हम बात करेंगे सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज और
आर्ट एंड कल्चर को लेकर के करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गुड बाय, गुड लक, हैव अ गुड